हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक इंडी गेम डेवलपर बन सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंडी गेम डेवलपर कैसे बनते हैं, पहले डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि आखिर इंडी गेम डेवलपर होता कौन है, किसको आप एक इंडी गेम डेवलपर बोल सकते हो। तो बाय डेफिनेशन, इंडी गेम डेवलपर एक ऐसा इंडिविजुअल या एक टीम होती है जिनके पास मेजर फाइनेंशियल बैकिंग नहीं रहती फ्रॉम इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, और जिनके पास पब्लिशर की बैकिंग नहीं रहती, जो बेसिकली खुद के दम पे पूरा गेम बनाते हैं और यू नो खुद के ब्रांड के अंदर, खुद के नेम के अंदर, खुद के कंपनी नेम के अंदर खुद के गेम को पब्लिश करते हैं। दैट इज बेसिकली एन इंडी गेम डेवलपर। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी, अगर आप एक इंडिविजुअल बंदे हो या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो, आप खुद अपना एक कोई ब्रांड बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हो, एंड आप फिर इंडी गेम डेवलपर कहलाए जाओगे। अब आप सोचेंगे कि यार ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है, तो इंडी गेम डेवलपर आखिर बनते कैसे हैं? जैसे मैंने बोला, बस आपको एक गेम बनाना है और खुद के ब्रांड के अंदर पब्लिश करना है। अब पब्लिशिंग क्या होता है मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। कोई भी गेम या कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पॉपुलर करना है, तो उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस गेम के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या है, मान लेते हैं अपने पास कोई एक प्रोडक्ट हो गया। मान लेते हैं अपने पास से ये फ़ोन है, ओके, ये मोबाइल फ़ोन है। अब ये मोबाइल फ़ोन को अगर मुझे पॉपुलर करना है या फिर सेल करना है, राइट, तो मैंने ये मोबाइल बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। अब जब तक मैं इस मोबाइल की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाऊंगा, तब तक ये मोबाइल मेरे लिए यूज़लेस है, राइट। मुझे फिगर आउट करना है कि कैसे मैं इस मोबाइल को वाइड लार्ज स्केल ऑडियंस तक पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा बंदा या फिर एक ऐसी कंपनी रहती है जो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है। अब आप सोचेंगे कि गेम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स। आपको पहली चीज़ आइडेंटिफाई करने की कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। पीसी के ऊपर अगर आप गेम बना रहे हो, तो फिर आपके पास स्टीम है, एपिक गेम्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है। मोबाइल के लिए गेम बना रहे हो तो एंड्रॉयड का गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल में ऐप स्टोर है, राइट। तो एज अ इंडी गेम डेवलपर आपको पहले अपने गेम की डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करनी है। आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना रहे हो, कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए गेम बना रहे हो, और उस हिसाब से आपको अपने गेम को उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल करना है। डेफिनेटली डेवलपमेंट साइकिल जो रहता है वो एक चैलेंज रहता है, बट डेवलपमेंट के बाद जब आप गेम को मार्केट करते हो, वहाँ पे मेन चैलेंज आता है। बिकॉज अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग हो, पब्लिशर के पैसे हो या फिर इन्वेस्टर्स के पैसे हो, तो वहाँ पे आप अपने गेम की अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हो। बट एज एन इंडी गेम डेवलपर अपने गेम की मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास लिमिटेड कैपिटल रहता है। तो दैट इज़ वाई जो भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप गेम को पब्लिश कर रहे हो, प्लेटफॉर्म्स के साथ टच में आना ज़रूरी है, उनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है, एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन अपने गेम के अराउंड बनाना ज़रूरी है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना सकते हो, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू गेटिंग इनटू इंटरव्यूज, डूइंग पॉडकास्ट, आपकी गेम की जो लिंक्स है, रिव्यू लिंक्स आप अपने रिव्यूअर्स को दे दीजिए, या फिर ब्लॉग पोस्ट करिए अपने गेम के बारे में। बेसिकली हर वो चीज़ करिए जिससे आपके गेम को पोटेंशियल डाउनलोड्स मिल सकते हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल कहने का मकसद ये है कि इंडी गेम डेवलपर कोई भी बन सकता है, बट एक सक्सेसफुल इंडी गेम डेवलपर बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना ज़रूरी है। अब आप देखोगे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल इंडी गेम डेवलपर्स के लिए, बट हर एक इंडी गेम डेवलपर सक्सेसफुल नहीं होता। ये बात आप जितनी जल्दी डाइजेस्ट कर लो, मान लो, ठान लो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपका पहला गेम शायद पॉपुलर ना हो, सेकेंड गेम पॉपुलर ना हो, दसवां गेम बनाओ वो शायद पॉपुलर ना हो, मे बी आप जो सोलहवां गेम बनाओगे उसके पास चांस रहेगा। सो एज एन इंडी गेम डेवलपर ये एक पूरी जर्नी है जो आपको तय करनी है, एंड इट इज़ फिल्ड विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी जर्नी एकदम स्मूथ रहेगी, आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, आप स्ट्रगल्स फेस करना पड़ेगा, आपको डेडलाइंस बढ़ते जाने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको लिमिटेड बजट के साथ काम करने का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा, रनिंग आउट ऑफ मनी ये एक इशू हो सकता है, फिर बाद में पब्लिशर, अगर मान लेते हो आप एक इंडी गेम डेवलपर हो और आप पब्लिशर ढूंढना चाहते हो, तो पब्लिशर के साथ बैक एंड फोर्थ आगे पीछे शायद कभी होगा ही नहीं, शायद पब्लिशर को आपके गेम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो एज एन इंडी गेम डेवलपर प्रॉब्लम्स ढेर सारे हैं, बट ये सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू जो यू नो परसिस्ट करते हैं
वो एंड में एक सक्सेसफुल इंडी गेम डेवलपर कहे जाते हैं। आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर इंडी गेम डेवलपर्स आर, एक गेम था फेज करके, FEZ, वो गेम काफ़ी पॉपुलर हुआ था, वो एक इंडी गेम डेवलपर ने बनाया था, सोलो गेम डेवलपर ने बनाया था, फिल फिश उसका नाम था। फिर बाद में ब्रेड इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, माइनक्राफ्ट बैक इन द डे, माइनक्राफ्ट वॉज एक्चुअली एन इंडी गेम, राइट? सो मार्कस पर्सन ने ये गेम खुद बनाया था सिंगल हैंडेडली, एंड दैट इज ऑल्सो, दैट वॉज रिगार्डेड एज अ इंडी गेम। अभी तो खैर वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है एंड उसके ऊपर ढेर सारे अपडेट्स है, पूरी टीम बिठा दी है, बट बैक इन द डे इट वॉज एन इंडी गेम। अगर हम बात करें राजी की, जो इंडिया में से, इंडिया की शान है, इंडिया के अंदर से ये गेम बना है एंड ये इंडिया की शान है, तो नॉडिंग गेम्स जो है वो एक इंडी गेम स्टूडियो है। फिर बात करते हैं रेल की, रेल RAYLL विच इज़ फाउंडेड बाय मुकुल नेगी, ही इज़ ऑल्सो एन इंडी गेम डेवलपर। उन्होंने एक बहुत पॉपुलर गेम रिसेंटली रिलीज़ किया है कॉल फियर्स टू फैदम, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल गेम है, सो ही इज़ ऑल्सो एन इंडी गेम डेवलपर, राइट? तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ तो कोई भी इंडी गेम डेवलपर बन सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि आपको कौन सा गेम बनाना है और फिर उस गेम के लिए कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लानी है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स हम टारगेट करोगे, स्टीम के ऊपर लॉन्च करना है, एपिक गेम्स के ऊपर लॉन्च करना है, प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च करना है, एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर लॉन्च करना है या फिर निंटेंडो स्विच के ऊपर लॉन्च करना है, राइट? ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है। फिर बाद में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ क्लोज रिलेशंस बना के रखने हैं आपको, उनके साथ बातचीत करना बहुत फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपका गेम लाइव जाता है उस टाइम पे आपकी जो स्टोर लिस्टिंग है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दीजिए एंड मेक श्योर करिए कि आप जितना हो सके एज एन इंडी गेम डेवलपर अपने गेम के बारे में बात करिए, बिकॉज जितना आप खुद अपने गेम के बारे में बात करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके गेम को पॉपुलर होने का। सो इन टुडेज़ एज एंड टाइम इट इज़ वेरी ईजी टू बिकम एन इंडी गेम डेवलपर, बिकॉज आपके पास आपके सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास आपके गेम इंजिन्स है, 3D सॉफ्टवेयर्स है, 2D सॉफ्टवेयर्स है एंड साउंड सॉफ्टवेयर्स भी है, आज की तारीख में तो AI टूल्स भी है, उनका भी यूज़ करके आप गेम्स बना सकते हो। एंड इनिशियली थोड़ा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, जैसे स्टीम के ऊपर AI रिलेटेड आर्ट जो था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था, बट उन्होंने अभी अपना स्टांस जो है वो सॉफ्टन कर दिया है, तो दे आर अलाउिंग AI जनरेटेड कॉन्टेंट, बस उसको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली वो लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो आज की तारीख में कोई भी गेम बना सकता है, राइट? एंड अगर आप गेम बना सकते हो, गेम पब्लिश कर सकते हो, देन यू आर कॉल्ड एन इंडी गेम डेवलपर। दैट इज़ बेसिकली इट, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है, वेंचर कैपिटल का पैसा नहीं है या फिर पब्लिशर बैकिंग नहीं है, देन यू आर एन इंडी गेम डेवलपर। और अगर आप ये चीज़ को फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, तो दिमाग में से पूरा डाउट हटाओ, आप एक इंडी गेम डेवलपर हो, आप एक इंडी गेम डेवलपर हो। अगर आपको भरोसा नहीं है फिर भी आप हो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इंडी गेम डेवलपर नहीं हो, बट आप हो, आपको पता नहीं है बट आप हो, ठीक है? सो इतना ही बोला था दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहो जो लोग इंडी गेम डेवलपर्स है बट उनको पता नहीं है, तो प्लीज़ कर दीजिए। और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपर रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बोलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।